दोस्तों, ये जो मेरा छोटा सा सेटअप है, 6 पेयर फिंच का, फिंच जो कि सबसे छोटा बर्ड है और सबसे कम रेट में आपको अवेलेबल हो जाता है। केज का जो साइज़ मैंने दिया हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इनका क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, फूड में मैं क्या क्या देता हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगा और बता दूँगा, ताकि अगर आप बर्ड पालना स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटा बर्ड अगर रखना चाहते हैं तो ये बर्ड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फिंच बर्ड जो है दोस्तों, सबसे छोटा बर्ड है, इसको आसानी से आप घर में रख सकते हैं, किसी भी साइड में किसी भी कॉर्नर पर ये रह जाएगा। और खाने में देखिए, नीचे जो कंगनी दाना है, सबसे मेन जो दाना है यही देना है, और इसके अलावा आप कुछ नहीं भी देंगे तो भी इनका ब्रीडिंग हो जाएगा और ये आराम से रह भी जाएंगे। कंगनी के साथ जो है हल्का सा ब्लैक सीड मिलाना पड़ता है, और जो चावल है, चावल और अंडा ये आप कभी कभार दे सकते हैं। कोई इसको देना मतलब पर ये नहीं है कि देना ही देना है, मेल फीमेल अगर आप ले लेते हैं आप इस तरह का एक हंडी लगा दीजिए, और केज का जो साइज़ है वो मिनिमम आपका 1.5 फीट बाई 1 फीट होना चाहिए, वो मिनिमम साइज़ मैंने बताया, इससे बड़ा रहेगा तो भी चलेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 केज रखा हुआ, एक जिसमें कि वाइट फिंच है मेरा, मेल फीमेल बस आपको कन्फर्म कर लेना है, और आप मटकी लगा देंगे तो आपको जो ये अडल्ट हो जाएंगे, अडल्ट होने में इनको लगभग 4 से 5 महीने लग जाता है, तो आप मान के चलिए 6 महीने आपको रख देना है, वेट करना है। उसके बाद इस तरह का बॉक्स अगर नेस्टिंग लगा देते हैं तो ये देखिए बर्ड जो है आराम से उसमें बैठ जाता है और अंडे वगैरह देना स्टार्ट कर देता है। तो अभी इसने घर बना लिया है, ये जो आप घोंसला देख रहे हैं इसने खुद बनाया है, मैंने सिर्फ इसमें जो है नारियल का जो आता है उसका रेसा जो होता है वो मैंने दे दिया था, तो इसने देखिए पूरा डिज़ाइन करके गोल बना दिया है, और ये बहुत ही जल्दी कुछ दिन में अंडा देने वाला है। तो जो मेल है इसका चोंच आप देखेंगे तो पूरा रेड है, ये मेल है, और जो फीमेल रहेगा उसका चोंच जो है ऑरेंज टाइप का आपको दिखाई देगा। खाने में जो देखिए, नीचे कैटल बोन भी देना है, कैटल बोन जो है वो रख देना है, पानी लगा दिया है मैंने फीडर में, और जो है दाना, ये देखिए मेल फीमेल काफ़ी एक्टिव है वाइट कलर में, और इसका रेट जो है वो आपको मार्केट में 300 रुपया पेयर अभी चल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों का चोंच में जो है अंतर आपको दिखाई देगा, ये जो है बाहर जो है ये फीमेल है, इसका चोंच देखेंगे तो ऑरेंज टाइप का दिखाई देगा, और जो अंदर मेल है उसका चोंच जो था वो मैंने आपको रेड दिखाया। तो चलिए अभी दूसरा कलर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ये 3 कलर मेन चलता है, इसमें मिक्सिंग कलर भी आता है। तो ये देखिए छोटा केज है, ज़्यादा बड़ा केज नहीं है, ये 1.5 फीट का केज है मेरा, यानी 20 इंची का लगभग ये लंबाई है, और डेप्थ और हाइट जो है वो 13-13 इंची है। ये केज जो है 600-700 में आपको मिल जाता है, और बर्ड आप 300 में ले लें तो इस तरह से आप ब्रीडिंग वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए फिर मैं दूसरा केज आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ मैंने 2 केज रखा हुआ है और एक तरफ मेरा जो है वो 6 केज रखा हुआ है। यहाँ पे मैं 6 केज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले तो आप मेल, ये जो है फीमेल है, आइज़ के ऊपर जो लाइनिंग बना हुआ रहेगा तो फीमेल, और चोंच मतलब गाल के ऊपर जो छाप बना हुआ रहता है वो मेल होता है। इसमें देखिए इसने 3 अंडे दिए हुए हैं, सुबह मैंने देखा था 3 था, अभी 4 हो चुका है, 4 अंडे इसने दिए हुए हैं। ये देखिए, और कंगनी दाना जो है नीचे मैंने सभी में कंगनी दाना रख दिया है, और एक पानी का फीडर, और बस फिर और कुछ नहीं करना है। 7 दिन तक ये इनको खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर 7 दिन के बाद फिर रिफ़िल कर देता हूँ, इससे मेंटेनेंस बहुत ही कम हो जाता है। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेकेंड वाला जो केज है, फर्स्ट केज जो मैंने आपको ऊपर में दिखलाया उसमें 4 अंडे हैं, सेकेंड केज, थर्ड केज, और इसके नीचे 1 केज होगा, या 2 केज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी देखिए मेल फीमेल, जैसे फीमेल मैंने आपको बताया कि आइज़ के ऊपर जो लाइनिंग रहेगा वो फीमेल है, और मेल जो है उसका गाल के ऊपर जो है रेड कलर का निशान रहेगा, रेड निशान अगर गाल के ऊपर है तो 100% मेल है, और आइज़ के ऊपर लाइनिंग अगर है आंसू टाइप का तो समझिए वो फीमेल है, इससे क्लियर हो जाता है। ये देखिए मेल फीमेल, मेल का जो है बॉडी का ऊपर जो है ब्लैक कलर हो जाता है, जेबरा टाइप का दिखता है, इसको जेबरा फिंच बोलते हैं इसलिए। इसमें देखेंगे तो 3 अंडा है। ये देखिए फिर नीचे वाला केज जो है, इसमें अभी अंडा नहीं आया है, अभी ये पेयर जो है वो सेट भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से छोटा सा केज का सेटअप बना के आप अलग अलग ब्रीडिंग लेते हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, सेपरेट ब्रीडिंग इनका काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कॉलोनी में आपको क्या है कि मेहनत कम होगा, लेकिन सेपरेट ब्रीडिंग में क्या है कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बच्चे भी जो है वो बचेंगे, और आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको फिर से धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे लाइटिंग जो है पूरा फुल लाइटिंग है, लेकिन उस साइड से मैं वीडियो बना रहा था थोड़ा कम दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा।